लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में सदर थाने के पताही निवासी कुंदन कुमार ने बीते शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड फ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर याचिका दर्ज की है। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि तय की है। कुंदन कुमार ने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने साजिश के तहत सुशांत सिंह को अपने प्रेम में फंसाया। कुछ ही दिनों में सुशांत उस पर भरोसा करने लगा। इसके बाद वह सुशांत सिंह का आर्थिक और मानसिक शोषण करने लगी। सुशांत की पहचान से उसे बॉलीवुड में काम मिलने लगा। उद्देश्य पूरा होने पर वह अभिनेता सुशांत सिंह से अलग होने लगी। उसने सुशांत को सुसाइड के लिए भी उकसाया। उसके इस व्यवहार से काफी सदमा लगने पर एक्टर ने मुंबई स्थित अपने घर पर 14 जून को आत्महत्या कर ली। बता दें कि कुछ दिन पहले भी बिहार के मुजफ्फरपुर में करण जौहर समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कराया गया था। साल 2019 से डिप्रेशन में रहने लगे थे सुशांत सिंह राजपूत। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस को बयान दिया है कि दोनों अगले महीने एक घर लेने वाले थे और इस साल के अंत तक दोनों शादी करने वाले थे। रिया ने बांद्रा पुलिस को बताया कि साल 2019 में फिल्म दिल बेचारा पूरी करने के बाद से ही सुशांत डिप्रेशन में रहने लगे थे। शुरुआत में सुशांत ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे तकलीफ और भी बढ़ने लगी। रिया ने बताया कि वह खुद सुशांत को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गई थी। रिया के अनुसार सुशांत समय पर दवाइयां नहीं ले रहे थे, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ गई। रूमी जाफरी की फिल्म करने के लिए काफी एक्साइटेड थे सुशांत सिंह राजपूत। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को बताया कि वो दोनों रूमी जाफरी के निर्देशन में जल्द ही एक फिल्म करने वाले थे, जिसे वासु भगनानी प्रोड्यूस करने वाले थे। फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू होने वाली थी, लेकिन देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से शूटिंग रोक दी गई। सुशांत सिंह अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी खुश थे और उस पर दिन रात मेहनत कर रहे थे।